खबर है दोस्तों, भारी डिस्काउंट देकर फंसी फ्लिपकार्ट और अमेजन। CCI ने दिए जांच का आदेश। दोस्तों बड़ी खबर है, प्रतिस्पर्धा नियामक CCI ने बिक्री मूल्य में भारी छूट और पसंदीदा विक्रेताओं के साथ गठजोड़ समेत अन्य गड़बड़ी के आरोप में फ्लिपकार्ट और अमेजन के खिलाफ सोमवार को जांच का आदेश दिया। यह मामला प्रतिस्पर्धा कानून के कथित उल्लंघन से जुड़ा है। दिल्ली व्यापार महासंघ की ओर से की गई शिकायत के बाद जांच का आदेश दिया गया है। दोस्तों महासंघ के कई सदस्य स्मार्टफोन और उससे जुड़ी चीज़ों का कारोबार करते हैं। उद्योग संघ ने आरोप लगाया कि ई कॉमर्स कंपनियां विशेष गठजोड़ सूचीबद्ध करने में चुनिंदा विक्रेताओं को तरजीह देना समेत अन्य प्रतिस्पर्धी रोधी गतिविधियों में शामिल हैं। भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग ने एक आदेश में कहा कि मोबाइल फोन ब्रांड और ई कॉमर्स मंचों के बीच विशेष व्यवस्था के साथ साथ ई कॉमर्स कंपनियों के कुछ चुनिंदा विक्रेताओं को तरजीह देने के आरोपों के आधार पर जांच का यह आदेश दिया गया है। खबर दोस्तों, वैष्णो देवी जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, दर्शनों के लिए खोली गई प्राकृतिक गुफा। दोस्तों देश भर में आगामी मकर संक्रांति पर मां वैष्णो देवी के दर्शनों को आने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी है। दरअसल बोर्ड प्रशासन द्वारा मकर संक्रांति के उपलक्ष्य पर प्राकृतिक गुफा को भक्तों के दर्शनों के लिए खोल दिया गया है। श्रद्धालु भी बड़ी बेसब्री से प्राकृतिक गुफा के खुलने का इंतजार कर रहे थे। दोस्तों आपको बता दें कि मकर संक्रांति के बाद कई बार गुफा को दर्शनों के लिए खोला जाता है। हालांकि किस दिन गुफा को खोला जाना है यह यात्रियों की संख्या पर निर्भर करता है। अमूमन जिस दिन यात्रियों की संख्या दिन में 10,000 से कम रहती है उस दिन कुछ घंटे के लिए गुफा को खोला जाता है। खबर है दोस्तों, पंच तत्वों में विलीन हुई राज कपूर की बेटी रितु नंदा, नम आंखों से बिग बी ने दी समधन को अंतिम विदाई। विदाई दोस्तों, बॉलीवुड के शोमैन राज कपूर और अमिताभ बच्चन की समधन रितु नंदा ने हाल ही में 71 की उम्र में अंतिम सांस ली। रितु लंबे समय से कैंसर से पीड़ित थी। दोस्तों रितु का अंतिम संस्कार दिल्ली में किया गया। ऋषि कपूर, रणधीर कपूर के अलावा अमिताभ बच्चन का पूरा परिवार उन्हें श्रद्धांजलि देने पहुंचे। इस दौरान ऐश्वर्या की आंखों में आंसू आ गए। अभिषेक पूरे समय श्वेता बच्चन की बेटी नव्या नवेली के साथ दिखाई दिए। रितु के निधन की पुष्टि रणधीर कपूर ने एक अंग्रेजी न्यूज वेबसाइट के बातचीत के दौरान की। उन्होंने कहा, आज सुबह रितु नंदा नहीं रही, वे कैंसर से जूझ रही थी, हम दिल्ली में ही हैं, आज ही उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसके अलावा बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने भी अपने ब्लॉग पर शेयर की। उन्होंने लिखा, मेरी समधन रितु नंदा श्वेता की सासू माँ का आज सुबह 1:15 में निधन हो गया। खबर दोस्तों, गुजरात पहुंचे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह, कार्यकर्ताओं के साथ उड़ाई पतंग। दोस्तों खबर है, गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह एक दिवसीय अपने गृह राज्य गुजरात दौरे पर हैं। यहां उन्होंने अहमदाबाद में मकर संक्रांति के मौके पर भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ पतंगबाजी की। इस दौरान उनके साथ गुजरात भाजपा प्रदेश अध्यक्ष जीतू बाघानी भी साथ रहे। दोस्तों बता दें कि गुजरात में मकर संक्रांति के पर्व को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। यहाँ लोग अपने घरों की छतों पर आकर पतंगबाजी करते हैं और एक दूसरे की पतंग से पेच लड़ाते हैं। अमित शाह हमेशा अपने गृह राज्य में मकर संक्रांति के कार्यक्रम में शिरकत करने आते हैं। खबर दोस्तों, शिखर धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बनाया बड़ा रिकॉर्ड, चुनिंदा बल्लेबाजी कर सके हैं ऐसा। दोस्तों वानखेड़े स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले वनडे में एक बार फिर से भारतीय सलामी बल्लेबाज शिखर धवन का बल्ला चला। धवन ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वर्ल्ड कप में खेले गए पिछले मैच में शतक लगाया था। इस पर धवन ने 73 रन बनाकर टीम इंडिया को तो मजबूत शुरुआत दी ही, साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1000 रन भी पूरे कर लिए। धवन ने इस मैच के दौरान मात्र एक छक्का लगाकर कपिल देव के वनडे करियर में 67 छक्कों के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया। खबर दोस्तों, आचार संहिता, दिल्ली चुनाव से पहले हटाए गए 4,00,000 से ज़्यादा पोस्टर, बैनर और होर्डिंग। दोस्तों खबर है, राष्ट्रीय राजधानी में 6 जनवरी से प्रभाव में आई आदर्श आचार संहिता के अनुरूप नगर निगम अधिकारियों ने सार्वजनिक स्थानों से 4,00,000 से अधिक पोस्टर, बैनर और होर्डिंग हटा दिए हैं। अधिकारियों ने मंगलवार को यह जानकारी दी। दिल्ली विधानसभा चुनाव 8 फरवरी को होने हैं, मतगणना 11 फरवरी को होगी। दिल्ली मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय के अधिकारियों ने बताया कि 13 जनवरी तक दिल्ली में कुल 4,02,426 होर्डिंग, बैनर और पोस्टर हटाए गए हैं, जिनमें से 1,387 ऐसे क्षेत्रों में हटाए गए हैं जो नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के तहत आते हैं और 2,284 पोस्टर दिल्ली छावनी बोर्ड के इलाकों से हटाए गए।
खबर दोस्तों, दुबई में भारतीय लड़की के लिए हीरो बना पाकिस्तानी ड्राइवर, मिल रही खूब वाहवाही। दोस्तों, संयुक्त अरब अमीरात के सबसे अमीर शहर दुबई में एक भारतीय लड़की के लिए पाकिस्तानी ड्राइवर हीरो बन गया। इस पाकिस्तानी ड्राइवर को सोशल मीडिया पर खूब वाहवाही मिल रही है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक सर्दियों की छुट्टी के दौरान यहां रेशेल रोज नामक भारतीय लड़की दुबई घूमने के लिए आई। इस दौरान उसका 3 दिन पहले पर्स खो गया, जिसमें उसका यूके का स्टूडेंट वीज़ा और अन्य कई जरूरी चीज़ें रखी हुई थी। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रेशेल 4 जनवरी को मुदस्सर खादिम की कैब में अपना वॉलेट भूल गई थी। दोस्तों, जिस वक्त यह घटना हुई उस वक्त लैंकेस्टर यूनिवर्सिटी में कॉरपोरेट लॉ की छात्रा रेशेल अपने दोस्त के जन्मदिन में शिरकत करने के लिए जा रही थी। रेशेल की मां ने कहा, 4 जनवरी की शाम को 7:30 बजे उसने अपनी एक दोस्त के साथ बुर्जुमान से टैक्सी ली थी। तभी उन्होंने अपने एक अन्य दोस्त को दूसरी कार में देखा और उसी के साथ जाने का फैसला किया। रेशेल और उसकी दोस्त तुरंत टैक्सी से उतर गए, लेकिन इस बीच रेशेल अपना वॉलेट कार में ही भूल गई। उसके पर्स में यूके स्टे परमिट कार्ड के अलावा वॉलेट में उसकी अमीरात आईडी, संयुक्त अरब अमीरात, ड्राइविंग लाइसेंस, स्वास्थ्य बीमा कार्ड, क्रेडिट कार्ड और 1,000 से अधिक दिरहम दुबई की करेंसी थे। कैब ड्राइवर खादिम ने 2 सवारियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने के बाद अपनी कार में रेशेल का वॉलेट देखा तो उसने वॉलेट में मिले कार्ड्स व रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मदद से वॉलेट को उसके घर पहुँचाया। खबर है दोस्तों, चीन में सड़क धंसने से 6 लोगों की मौत। दोस्तों, खबर है चीन के उत्तर पश्चिमी प्रांत किनघाई में सोमवार को सड़क धंसने के कारण एक बस गहरे गड्ढे में समा गई, जिससे 6 लोगों की मौत हो गई। स्थानीय मीडिया ने प्रशासन के हवाले से मंगलवार को इसकी जानकारी दी। यह हादसा स्थानीय समय अनुसार सोमवार शाम 5:30 बजे हुआ। मंगलवार सुबह 10 बजे तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि की गई, जबकि राहत एवं बचाव कार्य जारी है। सूत्रों के अनुसार शिनिंग शहर में ग्रेट वॉल अस्पताल के सामने सड़क धंसने से एक चलती बस गड्ढे में समा गई, जिसके बाद धमाका हुआ। इससे पहले स्थानीय प्रशासन ने इस हादसे में 10 लोगों के लापता होने और अन्य 15 लोगों के घायल होने की सूचना दी थी। खबर दोस्तों, भारतवंशी प्रोफेसर ने ईरान को फेसबुक पर हमले के लिए बताए 52 अमेरिकी ठिकाने, गिरफ्तार। दोस्तों, अमेरिका में एक भारतीय मूल के प्रोफेसर को उनके फेसबुक पोस्ट के लिए बर्खास्त कर दिया गया। प्रोफेसर ने फेसबुक पर लिखा कि ईरान को बम हमले करने के लिए 52 अमेरिकी ठिकानों को चुन लेना चाहिए। प्रोफेसर आशीन फांसे ने हालांकि कहा कि उनके मजाक को गलत ढंग से लिया गया। दोस्तों, बता दें कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल में ट्वीट किया था कि ईरान के 52 सांस्कृतिक स्थल अमेरिका के निशाने पर है। उन्होंने तेहरान को हमला न करने की भी चेतावनी दी थी। इसके जवाब में अपनी फेसबुक पोस्ट में आशीन ने सुझाव दिया कि ईरान के सर्वोच्च नेता भी ऐसा कर सकते हैं। आशीन ने पिछले सप्ताह अपने फेसबुक पृष्ठ पर लिखा, आयतुल्ला अली खुमैनी को अमेरिका के 52 सांस्कृतिक स्थलों की एक सूची ट्वीट करनी चाहिए। इनमें यूएम मॉल ऑफ अमेरिका या अमेरिकन सेलिब्रिटी किम कार्दशिया का आवास शामिल होना चाहिए। द न्यूयॉर्क टाइम्स की एक खबर के अनुसार आशीन के वकील जेफरी पाइल ने कहा कि उनके पोस्ट के बारे में कुछ हंगामा हुआ। पाइल ने द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में कहा, आशीन का जन्म अमेरिका में हुआ, वह दक्षिण एशियाई मूल का है। कुछ लोगों ने समझ लिया कि उनका मुवक्किल ईरानी या पश्चिम एशिया से है। खबर दोस्तों, सुलेमानी की मौत पर डेमोक्रेट्स की टिप्पणी से भड़के ट्रंप, कहा ये अमेरिका का अपमान। दोस्तों, ईरान के सैन्य कमांडर कासिम सुलेमानी को दुनिया का नंबर 1 आतंकी बताकर एयर स्ट्राइक में मार गिराने की अमेरिका की कार्रवाई के बाद जहां दोनों देशों के बीच टकराव बढ़ गया है, वहीं अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कदम की आलोचना हो रही है। ट्रंप ने अपनी इस आलोचना को अमेरिका का अपमान करा दिया है। 3 जनवरी को अमेरिका ने इराक की सरहद में एयर स्ट्राइक की थी, जिसमें ईरान के दूसरे सबसे ताकतवर शख्स कासिम सुलेमानी की मौत हो गई थी। अमेरिका के इस कदम के बाद ईरान ने खुलेआम बदला लेने का ऐलान कर दिया और सुलेमानी को दफनाने से पहले ईरान ने इराक स्थित अमेरिका के सैन्य बेस को निशाना भी बनाया था। ईरान के सख्त तेवर देख अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी लगातार धमकियां दे रहे थे, जिससे पूरी दुनिया में युद्ध की चिंता पैदा हो गई थी। इसी बीच अमेरिका में विरोधी डेमोक्रेट्स भी ट्रंप के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने लगे और सुलेमानी की मौत पर सवाल उठाने लगे। डेमोक्रेट सांसद और यूएस हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ट्रंप पर अमेरिकी सैनिक और नागरिकों की जिंदगी खतरे में डालने का आरोप लगाते हुए ईरान के खिलाफ उनकी शक्ति कम करने तक का प्रस्ताव ले आई।
साथ ही यूएस संसद को कासिम सुलेमानी पर हमले की जानकारी न देने को लेकर ट्रंप को निशाने पर लिया। इन तमाम आलोचनाओं पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर जवाब दिया है। दोस्तों, ट्रंप ने कहा कि हमने कासिम सुलेमानी को मारा है, जो दुनिया का नंबर वन आतंकी था। उस शख्स ने बहुत अमेरिकियों को मारा था, इसलिए हमने उसे मार दिया। ट्रंप ने यह कहते हुए डेमोक्रेट्स को जवाब दिया और कहा, जब डेमोक्रेट्स उसके बचाव की कोशिश करते हैं तो यह देश का अपमान है।